हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो हम आप लोगों के लिए दोस्तों टॉपिक लाए हैं, उस टॉपिक का नाम है कि डिफरेंस बिटवीन आस्की एंड यूनिकोड। यानी कि आज हम किसके बारे में दोस्तों, आस्की और यूनिकोड के डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जब तक हम अपनी प्रेजेंटेशन में चलते हैं, तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे टॉपिक का नाम हो गया डिफरेंस बिटवीन आस्की एंड यूनिकोड। सबसे पहला आता है दोस्तों, इस तरफ हमने आस्की को मेंशन किया हुआ है और इस साइड हमने यूनिकोड को मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहला आता है आस्की। आस्की में क्या होता है दोस्तों कि इसकी जो फुल फॉर्म होती है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इज द फुल फॉर्म ऑफ आस्की। यानी आस्की की फुल फॉर्म क्या होती है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जबकि यूनिकोड का यूज किस लिए किया जाता है, यूनिकोड इज ऑल्सो नॉन एज यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट। यानी यूनिकोड को हम क्या कहते हैं दोस्तों, यूनिकोड को हम कहते हैं कि यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट है। ठीक है, अगले आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों कि आस्की का क्या कहता है, आस्की रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर। यानी आस्की क्या करती है, एक स्पेसिफिक यानी कि जो कैरेक्टर होता है उसके एक स्पेसिफिक नंबर को क्या करती है वो दोस्तों, रिप्रेजेंट करती है। सच एज अपर केस एंड लोअर केस लेटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज डिजिट एंड सिंबल। इट मीन्स कि सपोज दोस्तों, आप लोग क्या करते हैं कि आप सी प्रोग्रामिंग टाइप कर रहे हैं। सी प्रोग्रामिंग में जब कभी आप प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें आप कभी भी आस्की कोड का प्रोग्राम बना सकते हैं। वहां पे क्या होगा कि जो लोअर केस है और जो अपर केस है उसकी वैल्यू जैसे जैसे आप पुट करेंगे, जैसे कैपिटल ए पुट करेंगे या कैपिटल बी पुट करेंगे या स्मॉल ए स्मॉल बी या 1 2, तो उसकी जो आस्की वैल्यू है वो क्या होगी, हमारे सी प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन में नजर आएगी। आने वाले प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे आस्की वैल्यू को देख सकते हैं, वो भी सी प्रोग्रामिंग के थ्रू। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं दोस्तों, आस्की वैल्यू का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि आस्की रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर। यानी कि आस्की क्या करती है, एक स्पेसिफिक नंबर प्रोवाइड कराती है, किसका, कैरेक्टर का। सच एज, जो अपर केस में भी हो सकता है, लोअर केस में भी हो सकता है, ऑफ इंग्लिश यानी मतलब कि इंग्लिश के लोअर केस और अपर केस में, और डिजिट का भी हो सकता है और सिंबल का भी। जबकि यूनिकोड क्या करता है, यूनिकोड रिप्रेजेंट अ लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर सच एज लेटर ऑफ वेरियस लैंग्वेज मैथमेटिकल सिंबल हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट इटीसी। जबकि यूनिकोड क्या करता है, यूनिकोड रिप्रेजेंट करता है लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर। यानी कि यूनिकोड क्या करता है, कैरेक्टर का जो लार्ज नंबर है उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि वो किसमें, बहुत सारी लैंग्वेजेस में हो सकता है, जैसे कि वो हो गया मैथमेटिकल लैंग्वेज हो गया, हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट हो गया और ETC। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पे आता है आस्की। इट यूज 7-bit टू प्रेजेंट एनी कैरेक्टर। आस्की क्या करता है दोस्तों, आस्की की जो वैल्यू है वो कितने बिट एब्जॉर्ब करती है, 7-bit। किसी भी कैरेक्टर को प्रेजेंट करने के लिए वो कितने यूज करती है, 7-bit का यूज करती है। इट डज सो बाय कन्वर्टिंग द कैरेक्टर टू नंबर। और ये क्या करती है, इतना ही यूज करती है कि जो कैरेक्टर को नंबर में बदलने के लिए, कैरेक्टर को नंबर में बदलने के लिए आस्की कितने यूज करती है, 7-bit का यूज करती है। जबकि यूनिकोड क्या होता है दोस्तों, इट यूज 8-bit। ये यूनिकोड क्या करता है, 8-bit का यूज भी करता है, 16-bit का भी यूज करता है, 32-bit का भी यूज करता है टू प्रेजेंट एनी कैरेक्टर एंड आस्की इज द सब कोऑर्डिनेट ऑफ यूनिकोड। यानी कि ये क्या करता है दोस्तों कि यूनिकोड 8-bit का भी प्रोवाइड कराता है, 16-bit का भी, 32-bit का भी, टू प्रेजेंट एनी कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर को प्रेजेंट करने के लिए। एंड आस्की इज सब कोऑर्डिनेट ऑफ यूनिकोड का। आगे बात करते हैं कि आस्की क्या करती है, आस्की सपोर्ट 128 कैरेक्टर ओनली एंड ऑक्यूपाइज लेस स्पेस। यानी आस्की क्या करती है, सिर्फ कितने कैरेक्टर को सपोर्ट करती है, 128 कैरेक्टर को। आस्की कितने कैरेक्टर को सपोर्ट करती है दोस्तों, 128 कैरेक्टर को ही ओनली सपोर्ट करती है, और जो ये स्पेस है उसको भी क्या करती है, बहुत कम ऑक्यूपाई करती है। जबकि जो यूनिकोड है, यूनिकोड सपोर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर एंड ऑक्यूपाई मोर स्पेस। यानी कि यूनिकोड क्या करता है, आस्की से ज्यादा कैरेक्टर को सपोर्ट करता है। इसमें जैसे कि आस्की हमारी 128 करती है, तो यूनिकोड क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर यानी जो कैरेक्टर के लार्ज नंबर है उसको सपोर्ट करता है। और जो ऑक्यूपाई क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है आस्की से ज्यादा स्पेस। आस्की में क्या होता है दोस्तों, लेस स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है, जबकि यूनिकोड में क्या किया जाता है, मोर स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे में क्या है कि आस्की ऑक्यूपाइज लेस स्पेस विच मेक इट परफेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सच एज सेंडिंग टेक्स्ट मैसेज ETC। यानी आस्की में क्या दोस्तों,
आज की अगर लेस स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसका मतलब क्या है कि वो इजीली इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेट कर रहा है, जैसे कि हम जो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, टेक्स्ट मैसेज को भेजते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज की ऑक्यूपाइज लेस स्पेस विच मेक इट परफेक्ट, जो इसको क्या बनाता है, परफेक्ट बनाता है फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए, सच एज सेंडिंग टेक्स्ट मैसेज, जैसे कि क्या हो गया, टेक्स्ट मैसेज का भेजना हो गया। ठीक है, यूनिकोड क्या होता है? यूनिकोड हैज मैनी फॉर्मेट, यूनिकोड के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं एंड दिस इज अ वेरी फ्लेक्सिबल एनकोडिंग, और ये क्या होती है, बहुत फ्लेक्सिबल एनकोडिंग स्कीम होती है, विच इज स्टैंडर्डलाइज टू बी यूज इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको स्टैंडर्डाइज किया गया है और ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज किया, जैसे कि .NET हो गया, फ्रेमवर्क हो गया, .NET फ्रेमवर्क हो गया और जावा, ये सारी लैंग्वेज में से क्या किया गया है, स्टैंडर्डाइज किया गया इसका यूज, इट मीन्स कि इसका यूज किया गया बहुत सारे फॉर्मेट में और स्टैंडर्डाइज ऑपरेटिंग सिस्टम में किया गया है और .NET फ्रेमवर्क में भी और जावा में भी। आगे चलते हैं, जो ASCII है उसका जो डिफरेंस बिटवीन यूनिकोड एंड ASCII इज बेसिकली ड्यू टू द नंबर ऑफ बिट्स एंड दे यूज अमाउंट ऑफ कैरेक्टर दे कैन एनकोड। यानी कि ASCII और यूनिकोड में जो मेन डिफरेंस है, ASCII में और यूनिकोड में मेन डिफरेंस क्या है दोस्तों, ASCII में और जो यूनिकोड है उसमें मेन डिफरेंस किसका है, एक तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का, कि ASCII 128 कैरेक्टर को सपोर्ट करती है जबकि यूनिकोड 128 कैरेक्टर से ज्यादा को सपोर्ट करती है। दूसरे नंबर पे क्या है दोस्तों, ASCII जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो लेस यानी कम ऑक्यूपाई करती है, और जबकि यूनिकोड है वो क्या करता है, जो स्पेस है वो ज्यादा ऑक्यूपाई करता है। तो दोनों को हमने सेम इसीलिए रखा हुआ है कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन यूनिकोड एंड ASCII इज बेसिकली ड्यू टू द नंबर ऑफ बिट्स दे यूज एंड अमाउंट ऑफ कैरेक्टर दे कैन एनकोड। सेम एज इट इज हमने यहाँ पे भी यही चीज मेंशन कर रखी है, द डिफरेंस बिटवीन यूनिकोड एंड ASCII इज बेसिकली ड्यू टू द नंबर ऑफ बिट्स दे यूज एंड अमाउंट ऑफ कैरेक्टर दे यूज दे कैन एनकोड। आगे चलते हैं कि ASCII को क्या क्या गया, ASCII इज अ सबसेट ऑफ यूनिकोड एज यूनिकोड रिप्रेजेंट मैनी अदर कैरेक्टर अलॉन्ग विद कैरेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ASCII। यानी ASCII क्या है, सबसेट है किसका, यूनिकोड का। ASCII क्या है दोस्तों, ASCII सबसेट है यूनिकोड का, इट मीन्स की ASCII के अंदर जो भी 128 कैरेक्टर्स आते हैं वो किसके अंदर आते हैं, यूनिकोड के अंदर आते हैं। यूनिकोड के अंदर 128 कैरेक्टर तो ASCII वाले आते ही है, लेकिन उससे भी अलग और भी ज्यादा कैरेक्टर क्या होते हैं, ASCII के अंदर, सॉरी यूनिकोड के अंदर आते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ASCII इज अ सबसेट ऑफ यूनिकोड एज यूनिकोड रिप्रेजेंट मैनी अदर कैरेक्टर अलॉन्ग विद कैरेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ASCII। इट मीन्स कि ASCII अपने कैरेक्टर, ASCII क्या करता है, सिर्फ अपने 128 कैरेक्टर को ही सिर्फ नॉन में है, अननोन को अपने पास नहीं रखता है, जबकि यूनिकोड क्या करता है, ASCII के 128 कैरेक्टर को भी अपने पास रखता है और यूनिकोड और अदर कैरेक्टर को भी अपने पास रखता है, जिस वजह से क्या करता है, वो ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। इसीलिए हमने दोनों को जो डिफरेंस बिटवीन है वो भी सेम रखा हुआ, देख जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ASCII इज अ सबसेट ऑफ यूनिकोड एज यूनिकोड रिप्रेजेंट मैनी अदर कैरेक्टर अलॉन्ग विथ कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय ASCII। ASCII इज अ सबसेट ऑफ यूनिकोड एज यूनिकोड रिप्रेजेंट मैनी अदर कैरेक्टर अलॉन्ग विथ कैरेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ASCII। ठीक है, आगे वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, शो मच दोस्तों।